टीम इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में वेस्टइंडीज को हरा सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। बता दें कि ये कप्तान के तौर पर रोहित इस सीरीज में सफल हो चुके हैं, तो बल्लेबाज के तौर पर भी उन्होंने कमाल कर दिया है। भले ही पहले T20 में रोहित नहीं चल पाए, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने सारी कसर पूरी कर ली है। दूसरे T20 में बेहतरीन शतक लगाकर रोहित ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। अब दोनों देशों के बीच एक और मैच खेला जाना है और रोहित जिस तरह की फॉर्म में दिख रहे हैं उससे तो यही लगता है कि वो एक बार फिर से कई सारे रिकॉर्ड्स बना सकते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं उन रिकॉर्ड्स पर जो रोहित अगले मैच में अगले नाम पर कर सकते हैं। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज क्रिस गेल और मार्टिन गॉप्टिल हैं, जिनके नाम पर अब तक कुल 103 छक्के हैं। रोहित शर्मा के नाम अब तक 96 छक्के हैं। अगर अगले मुकाबले में वो 8 छक्के लगा दें तो वो अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में छक्का लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे। इसके अलावा रोहित शर्मा अगर अगले मैच में 7 छक्के लगा दें तो इस वर्ष T20 मैचों में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। रोहित ने इस वर्ष क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में कुल 29 छक्के लगाए हैं और वो इस मामले में कोलिन मुनरो से ही पीछे हैं। मुनरो ने वर्ष 2018 में 12 T20 मुकाबलों में 35 छक्के लगाए हैं। रोहित शर्मा भारत की तरफ से T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। पिछले मैच में उन्होंने विराट को पीछे छोड़ते हुए ये उपलब्धि हासिल की थी। अब रोहित क्रिकेट के इस प्रारूप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज बन सकते हैं। इस वक्त T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल के नाम पर है। गप्टिल ने अब तक 2271 रन बनाए हैं और रोहित के नाम पर 2203 रन हैं। अगर रोहित अगले मैच में 69 रन बना लेते हैं तो गप्टिल को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। अब देखना यह है कि 11 तारीख के मैच में चेन्नई के स्टेडियम में रोहित शर्मा क्या कुछ कमाल दिखाते हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण की रिपोर्ट।